कलर दोनों हाथ गए, चाबी चाबी खो जाए क्या हो, सोचो तो गिरे जी। हो। हाँ, ये मेरी दुकान की चाबी का छल्ला है ना, ये मेरी दुकान की चाबी का छल्ला है ना। तो मैंने कब कहा कि मारी दुकान की चाबी का छल्ला है तुम्हारा छल्ला। इसमें की चाबी कहाँ है? हो सकता है वो कचरे के डब्बे में हो जिसमें अंडे के छिलके हैं। छिलके मैंने पकड़ लिए। जेठानी जी, मजाक की भी हद होती है। दुकान में पेंट का काम चालू है, शटर आधा खुला। जेठानी जी, मजाक की भी हद होती है। दुकान में पेंट करवाया है, शटर आधा खुला है, वहाँ पे लाइट बिजली सब चालू है, और वो तार वहाँ पे खुला पड़ा है। जेठानी जी, मुझे ये सब बंद करने जाना है। आप लाइए दुकान की चाबी। सॉरी सर। आप लाइए दुकान की चाबी। दुकान की चाबी। हाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। दुकान की चाबी लाइए। आपसे कोई बहस नहीं करनी है, सीधे सीधे अपनी दुकान की चाबी। देखिए जेठानी जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। आप सीधे सीधे मेरी दुकान की चाबी। अगर तुम्हारी दुकान में क्यों गलत कर रही हो, थोड़ा सा जेठानी जी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। आप सीधे सीधे मेरी दुकान की चाबी दीजिए। वरना वरना क्या करूंगी। हाँ, अरे आने तो भाभो को, मैं भाभो को बताऊंगी। ये है बस, ये चेहरा पता चलेगा कि तुम के हो। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैंने वो अंडे सारे खड़े। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग दोनों? हाँ, आइए आगे, जाने दो ना, हम एक ही परिवार के भाभी। और भाभो ने भी तो दोनों का हाथ उठाया। देखिए, ऐसे झगड़ा मत करिए आप लोग दोनों। एक खबर पकड़ है, बस ये देखा है हमसे भाभो की आवाज है। वाह, हे मारा राम जी, कुलदेवी के दर्शन। हाथ हाथ पकड़े रखो, हाथ थोड़ी अच्छे से पकड़ो। एक्शन, आई एक्शन। वाह, उन्होंने बोला इस तरीके से। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सूरज, ये संध्या और विक्रम यहाँ आएगा, और बाबा साहब। विक्रम कहाँ आएगा? ये विक्रम राइट में, राइट में। हम बाबा साहब बैठ के, यहाँ पर विक्रम आया। और अरे, ये चमत्कार दिखा दियो हाँ, ठाकुर जी को 108 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। देवरानी देखानी हाथ मिलाए हुए। बाबू आप आ गए। बाबू आपको बड़ा याद किया। बाबू, बाबा साहब, बाबू बाबू अपनी ही देवरानी है, लड़ना कैसा। और आप ही तो कह के गई थी, थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, वो देवरानी है हमारी, इससे क्या झगड़ना। और आप तो कह के गई थी ना कि प्रेम प्यार से रहना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं। और भाभो आप तो हुक्म दो, मैं झाड़ दूँ, है ना। घर में सब ठीक ठाक तो है ना? जी भाभो, घर में सब ठीक है। अंडे का डर होगा कि बताना दे। एक दूसरे से छीन छीन के घर के काम कर रही थी।
छोड़ो भाभो, आपके कुलदेवी के दर्शन कैसे रहे? आपके कैसे रहे जेठ जी? हाँ, अच्छा हुआ आप दोनों ना साथ में रहे, घूम फिर कर आए। अब थोड़े दिनों में तो ट्रेनिंग में जाने वाली है, फिर मिल पाओ ना मिल पाओ, अकेले भी तो रह जाओगे ना आप। अच्छा, लेकिन सारा परिवार साथ होता तो और अच्छा लगता। बहुत याद आ रही थी आप लोगों को, और सबसे ज्यादा तो खान और परी की याद आ रही थी हमें। बाबा साहब बैठे थे, माँ सोने का कोई बात नहीं छोरा, अगली बार हम जब जाएंगे ना साबरों को भी तो दर्शन कराना है ना। बाबा ने बोला, अच्छा सूरज वो जो काला धागा लाया ना कुलदेवी के यहाँ से वो जरा दे मुझे। परी के पास खुला, और परी बेटा हाँ आ गई दादी, कैसी है? ये दिया सूरज लेके गया काला धागा, वहां बैठा। बाबा ने कहा, मीना ने भी लिया, उसे भी तो धागा बांध दो। अच्छा छवि जरा जाके काना को ले आ, तूने सुला दिया ना उसको? कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? काना मेरे पास कहाँ था? तूने सुला दिया ना उसको? खाना खिला के सुलाया ना? पर भाभी काना मेरे पास कहाँ था? ऐसा कुछ लेकर ऐसा तो एकदम आप टीवी पर भी देख सकते हो। अच्छा तो देखी गई थी ना उसको दुकान पे, जरा ले आओ। नहीं मैंने तो काना को कठिन है भी इतनी काना। नहीं, मैंने तो काना को देखा भी नहीं। देखा भी नहीं? हाँ। एक्चुअल ले आओ। नहीं मैंने तो काना को देखा भी नहीं। हाँ कठिन है काना, जल्दी से लाओ उसे। तीन दिन से हमारी आंखें तरस गई उसे देखने के। मैंने अपने पोते को विक्रम की आवाज आई, अरे बाबो बाबा साहब आप लोग आ गए क्या? ये पैर वैर हुआ एजी? हे बाबू बाबा साहब एजी आप लड्डू के भरोसा ऑर्डर? ये दुकान का रजिस्टर है। दुकान पे नहीं, इनके पास नहीं। आप एजी आप लड्डू के भरोसे काना को कैसे दुकान पे छोड़ा है? हाँ वो शटर भी बंद कर दिया। और शटर भी बंद कर डाला? देख अरे बावली हो गई क्या तू? काना दुकान पर नहीं है तो बावली का तू हमारा छोरा है कठे है दुकान में ना है, सब एक दूसरे से ऐसे पूछ रहे किसी को कोई खबर ही ना है। नहीं सुबह तो हमारे पास था, दुकान पे था, फिर मैं निकल गई थी, फिर निकल गई थी वो तो सितारा हमारे पास था, फिर मैं वहां निकली थी, फिर मैं कहां गया? कैसी माँ है मीना बेनी तू? हाँ अपनी औलाद का पता नहीं है तुझे? कटे गया मेरा काना। हाँ जेठ जी वो छोटू और उसके दोस्त आए होंगे, हम वो लेके गए। जेठ जी वो छोटू और उसके दोस्त ना काना के साथ खेल रहे थे। हाँ तो कहीं वो लोग आपके दुकान तो ना ले गए? चलो देखिए तो मैं देख कर आता हूँ भाभो, छोटू और उसके दोस्तों से भी पूछ लेता हूँ। विक्रम ने भी बोला मैं भी देख कर आता हूँ। बाबा साहब